जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं। चलिए। क्या हुआ मुनिवर? किंतु एक समस्या है। ये दिव्य औषधियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती है। अशुद्ध होने पर ये अदृश्य हो जाती है। और वत्स, आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो। फिर एक उपाय है, यदि स्वीकार हो तो बताऊं? बताइए मुनिवर। यहां नीचे एक सरोवर है, यदि आप उस सरोवर में स्नान करके आएंगे तो ये दिव्य औषधियां स्वयं को आपके सम्मुख प्रकट कर देंगी। जो आज्ञा मुनिवर। रुको, स्नान करते समय अपने नेत्र बंद रखिएगा। वो क्यों मुनिवर? इसके पीछे एक लंबी कथा है। यदि आपके पास समय है तो सुनाता हूं। नहीं नहीं मुनिवर, मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। आज्ञा दीजिए। हनुमान जैसे बुद्धिशाली कालनेमी के छल में कैसे आ गए? जब भी कोई कपटी साधु का वेश धारण कर लेता है तो सरल हृदय लोग कुछ देर के लिए उसके छल से बाधित हो ही जाते हैं। परंतु जैसे ही कपटी का आचार उजागर होता है, छल कपट की सारी माया विलुप्त हो जाती है और सत्य सामने आ जाता है, जैसा हनुमान के साथ हुआ।
आपका कल्याण हो कपीवर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है, मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है, इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है, जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपट पूर्वक यहाँ बैठ गया। एक बात और कपीवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा, उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम, तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स, गुरु दक्षिणा का विधान तो दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात का होता है। किंतु विशेष आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव। कहाँ है गुरुदेव? अमृत कलश से अमृत पान तो करते जाइए।
मैं तेरा भेद जान गया हूँ पाखंडी। बोल, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? और मैं तेरा काल हूँ, काल नेमी। जिन चार दिव्य औषधियों से हम सबकी जीवन रक्षा होने वाली थी, वो सब दिव्य औषधियां किसी प्राणी के पास आते ही अदृश्य हो जाती थीं। बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अदृश्य होने लगी। हनुमान विचित्र पहेली में फंस गए थे। रात्रि बीतने में मात्र आधा प्रहर शेष था। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान को कोई उपाय न सूझता था। हे औषधियों, कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो क्या औषधियों ने अपने को प्रकट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने जो लीला की वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पहचान बन गई। श्री राम।
प्रतीक्षा जागते रही, हनुमान बस आते ही होंगे। रिक्षाज जागते रही, हनुमान बस आते ही होंगे। रिक्षाज, सुबह होने में चौथाई घड़ी ही शेष है। पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहाँ उपस्थित हुए थे, उसे देखकर कौन ये मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने। केसरी नंदन, हनुमान का यही विनीत भाव उन्हें महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किए हुए है। इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित बल, बुद्धि, तेज, प्रताप का वर्णन मिलता है। हाँ, मैंने भी प्रभु भक्त हनुमान के कई प्रसंग सुने हैं, किंतु आपके श्रीमुख से हनुमान कथा सुनने का आनंद तो अमृत तुल्य है। हाँ प्रभु, सुनाइए ना। आप सब संकट मोचन महाबली हनुमान की अद्भुत जीवन लीला सुनने के लिए कितनी उत्सुक हैं? ये देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन्म और बाल्यकाल से लेकर आज तक की सुनी अनसुनी सारी कथा। किंतु एक समस्या है, ये दिव्य औषधियां शुद्ध होकर ही प्राप्त हो सकती हैं, अशुद्ध होने पर ये अदृश्य हो जाती हैं। और वत्स, आप तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो।
जब हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी लेने जाते हैं, तब रावण द्वारा भेजा गया काल नेमी हनुमान से कहता है उन्हें सरोवर में जाकर स्नान करना होगा। और जैसे ही वो स्नान करने सरोवर में उतरते हैं, एक मगरमच्छ उन पर आक्रमण कर देता है। हनुमान उस मगर का वध कर देते हैं। हनुमान काल नेमी को पराजित कर देते हैं और पूरा पर्वत ही हाथ में उठा श्री राम की रक्षा हेतु निकल पड़ते हैं। सुनिए, त्रेता युग की बात है। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, अग्नि, वायु आदि सारे देवता, सप्त ऋषिगण और पृथ्वी देवी सब मिलकर वैकुंठ लोक जा पहुंचे। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। हे देवताओं के स्वामी, शरणागतों के रक्षक, आपकी जय हो। हे कृपालु, आपकी लीला अद्भुत है। उसका भेद कोई नहीं जानता है, कोई भी उसको जानने का अभिमान नहीं कर सकता है, और उसे वही जान सकता है जिस पर आपकी कृपा हम पर कृपा करें। प्रभु, पापों का नाश करने वाले नारायण, हमारी सुध लें। प्रभु, देवी पृथ्वी एवं समस्त देवता अपने मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे अविनाशी, हमें दर्शन देकर हमारा उपकार करें। प्रभु, हे भक्त वत्सल भगवान, हे अशरणों के शरण, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हे श्रीपति, आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। नाथ, आप ही के आदेश पर मैं इस मृत्यु लोक के समस्त जीवों को आश्रय देती हूँ, उनका भार उठाती हूँ। सब कुछ सहन करते हुए मैं उनका लालन पालन करती हूँ, किंतु ये राक्षस राज रावण मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है जो मेरे लिए असहनीय हो गई है। अपने बल के मद में चूर होकर रावण चारों ओर आतंक फैला रहा है। जिसे भी वो थोड़ा बलवान समझता है, उसे ये उन्मादी रावण युद्धम देही कहकर युद्ध के लिए ललकारता रहता है। और जो निर्बल और शांति प्रिय जीव है, उसे भी बिना कारण सताता रहता है। रावण और उसके राक्षस ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते, मुनियों को तपस्या नहीं करने देते, और अपने मनोरंजन के लिए निर्दोष जीवों की हत्याएं करता है। पूरी पृथ्वी पर रावण ने स्त्रियों के अपहरण और अत्याचार का अभियान चला रखा है। कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं। हे विशंभर, उसका ये अत्याचार देख मुझ माँ का हृदय फटा जाता है। मुझसे अब और सहन नहीं होता। प्रभु, मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। हे विष्णुदेव, हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रताड़ित कर रहा है। हम देवता प्रकृति के नियमों की रक्षा करते हैं, हमारे कारण कोई भी तत्व अपनी मर्यादा भंग नहीं करता, किंतु रावण हमें भी सनातन नियम तोड़ने के लिए विवश करता है, और उसके भय के आगे हम सब कुछ नहीं कर पाते।
तेरा ये तो साहस, अपने मेघों के द्वारा तू मुझे रोकना चाहता है, अपनी पराजय भूल गया क्या? कहे तो याद दिलाऊं? या एक बार फिर मुझसे टकराना चाहता है? यदि यही इच्छा है तो आ, आना, आना, आना। अपने बदल, नहीं तो मैं अभी इसी क्षण तेरा उपचार कर देता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शचीपति इंद्र, तुमने शीघ्र ही समझ लिया कि मेरी मित्रता में ही तेरा हित है। सूर्य देवता, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने सम्राट से कुछ सीखिए और मेरे अनुकूल रहा कीजिए। देखते नहीं आपकी किरणों के ताप से कैसे मेरा माथा जला जाता है। और हाँ, वो चंद्रदेव, उस चंद्रदेव से कहो वातावरण को थोड़ा शीतल कर। जाओ। हे प्रभु, रावण के अत्याचारों से हमारी रक्षा का सामर्थ्य केवल आप में है। आप समस्त जीवों की अंतरात्मा हैं और हम सब में जो कुछ भी शक्ति है वो आपसे ही है। हम आपकी शरण में हैं। हे अक्षर, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए श्रीपति, नहीं तो यह सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। जगत पिता ब्रह्मा का वरदान पाकर ये रावण मनमाना हो गया है। इस समय ब्रह्मांड में उसे अनुशासित करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। हे प्रभु, क्या उस आतताई से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी? आप निराश ना हो ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब जब गौ माता, विप्रजन, संत समुदाय और देवताओं पर विपत्ति आएगी, जब जब अविश्वास, अनाचार और अधर्म की वृद्धि होगी और धर्म की हानि होगी, जब जब भक्त मेरा उपहास करेंगे, मेरी भक्ति को अंधविश्वास समझेंगे, और तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यज्ञ की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा अटल है। भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा।
भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की काल में रावण ने कठोर तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि उसे देवता, दैत्य, गरुड़, नाग, यक्ष आदि कोई भी ना मार सके। किंतु उस समय उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया और यह तिरस्कार से कहा कि मनुष्य तो उसके लिए तिनके के बराबर है। अहंकार सदैव पतन का कारण होता है। रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा, क्योंकि शीघ्र ही मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर दुराचारी रावण का वध कर दूंगा। हे पुरुषोत्तम, हमें क्या करना होगा? आदेश दीजिए प्रभु। आप सब भी पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से वानर कुल और वृक्ष कुल में अवतार लीजिए। समय आने पर रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध में मैं आपकी सहायता लूंगा। आप समस्त जगत के पालक हैं, हे धरणी धर, आपसे ही ये ब्रह्मांड जन्म लेता है और आप ही प्रलय काल में इसे अपने में लीन कर लेते हैं। हे प्रभु, रावण के विनाश के लिए आपका एक कटाक्ष ही पर्याप्त है, फिर भी आप हमारी सहायता चाहते हैं। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी लीला से मोहित होकर अहंकारी न हो जाएं। आपकी दीदी देवी रुक्मणी प्रेम में समर्पण तो करती हैं, किंतु प्रदर्शन नहीं। फिर भी मेरे प्रति उनका गहन प्रेम वो कुछ अवसरों पर उजागर हो ही जाता है। क्या बात है प्रिय, कुछ कहना चाहती हैं? कुछ भी तो नहीं नाथ। ये नरा अवतार मैं धर्म की स्थापना के लिए ले रहा हूं प्रिय, किंतु कोई भी धर्म कार्य धर्म पत्नी के बिना पूरा नहीं हो सकता। आप मेरी सहचरी हैं, आपको ही ये दायित्व निभाना होगा। इस अवतार में मैं अनाचारी राक्षसों का वध तो करूंगा ही, किंतु ये अवतार लेने का मेरा उद्देश्य अपने जीवन चरित्र के माध्यम से सदाचार का आदर्श प्रस्तुत करना है। मनुष्यों की शिक्षा और प्रेरणा के लिए मैं सत्य और धर्म के दो पैरों पर चलूंगा और जीवन की मर्यादाओं पर अडिग रहूंगा। मेरा ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय। Oh.
किसका जाप कर रहे हैं महादेव? राम, मेरे राम। राम, कैसी शीतलता है इस नाम में। अनादि काल से ही यह नाम इस जगत का सबसे सिद्ध और सरल मंत्र है। वो कैसे महादेव? ओम नमो नारायण मंत्र से बीजाक्षर रा और ओम नमो शिवाय मंत्र से बीजाक्षर मां को मिला देने से इस राम मंत्र की रचना होती है। इस अमूल्य मंत्र में भगवान विष्णु की कल्याणकारी शक्ति के साथ मेरी शक्ति का भी वास है। यह मंत्र सर्व मंगलकारी है, मोक्षकारी है और सभी प्राणियों के कल्याण की रामबाण औषधि है। आपकी महिमा निराली है भोलेनाथ। आप जब उग्र रूप धारण करते हैं तो तीनों लोग कांपने लगते हैं और जब प्रेमगन होते हैं तो ऐसे कि देखने वाला भी आनंदमय हो जाए। जो आनंद मेरे मन में जागा है शीघ्र ही वह पूरे पृथ्वी लोक पर छा जाएगा। वो कैसे महादेव? क्योंकि आपके जो परम रहस्यमय महान भाई भगवान विष्णु है ना, वे मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले हैं और इस मनमोहक अवतार में उनका नाम होगा श्री राम। वे मेरे भाई अवश्य है नंदीश्वर, परंतु आपके प्रेम और समर्पण के समक्ष मेरा प्रेम तो कहीं ठहरता ही नहीं। ऋषियों ने भी सत्य कहा, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः। अर्थात शिव विष्णु का रूप है और विष्णु शिव का रूप है। शिव विष्णु के हृदय में वास करते हैं और विष्णु शिव के हृदय में। परंतु महादेव, श्री नारायण को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वे जब चाहे तब अपने चक्र से रावण के 10 सिर काट सकते हैं। निश्चित ही काट सकते हैं शैलपुत्री, किंतु श्रीहरि ब्रह्मा जी के वरदान की अवहेलना नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और मैं, तीन अलग अस्तित्व अवश्य हैं, किंतु मूल में हम तीनों एक ही हैं। भवानी, इस रावण ने 10,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या करके इतने शुभ कर्मों का संचय कर लिया कि ब्रह्मा जी को बाध्य होकर उसे मनचाहा वरदान देना ही पड़ा और तब से वह अजय होकर अत्याचारी हो गया। इसलिए जब तक उस पापी के पूर्व पुण्य का क्षय नहीं हो जाता, उसका वध नहीं किया जा सकता। अब उसका काल निकट आता जा रहा है और शीघ्र ही भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेके उसका अंत कर डालेंगे और उनके इस कार्य में
मैं उनकी सहायता करूंगा। आप महेश्वर? हाँ भवानी। भगवान विष्णु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा अंश इस वानर कुल में उत्तम वानर हनुमान बनकर जन्म लेगा और अपनी भक्ति और समर्पण से प्रभु को प्रसन्न करेगा और राम नाम की सिद्धि को प्रसिद्ध करेगा। प्रधान विश्व करी राखा जो जस करई सो तस फल चाखा। समस्त संसार कर्म की गति से बंधा है। कोई भी जीव किसी भी पल अकर्मा नहीं रहता। मनुष्य के जीवन का निर्माता वो स्वयं है। जो जैसे कर्म करता है वैसा ही शुभ या अशुभ फल उसे मिलता है। महादेव, भोलेनाथ, कमल योनि, ब्रह्मा जी और मैं भी इस नियम में व्यवधान नहीं डाल सकते। और इस नियम के संचालन का कार्य दिया गया है नवग्रहों को। वे निरंतर आकाश पथ का चक्कर लगाते हुए मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार फल देते रहते हैं। प्रभु, किस बात से आपको इतना आनंद आ रहा है? हमें भी बताइए। नव ग्रहों में एक ग्रह है शनिदेव। शनय शनय अर्थात धीरे धीरे चलने के कारण उनका नाम शनिदेव हुआ। सभी जीव उनसे बड़ा भय खाते हैं। उनके चक्र में जो भी पड़ता है सदा रोता हुआ मिलता है। किंतु जब हनुमान से उनकी भेंट हुई तो क्या नाथ, बताइए ना। हनुमान एक पर्वत शिखर पर बैठकर आनंद से केलों का भोग लगा रहे थे। तभी एक धीर गंभीर स्वर ने उनका ध्यान भंग कर दिया। केसरी नंदन, मैं आपको सावधान करने आया हूं पवन पुत्र हनुमान। आज से आगामी 7.5 वर्षों तक आप पर मेरा प्रभाव काल आरंभ हो रहा है। आप सावधान हो जाएं। मैं आपके शरीर में प्रवेश करने वाला हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं सूर्य पुत्र शनीश्वर। किंतु आप मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। तो आपको मेरे सामर्थ्य पर संदेह है बजरंग बली? आप सब प्रकार से सामर्थ्य हैं शनीश्वर महाराज, परंतु मेरे मन में तो पहले से ही कोई रिक्त स्थान है ही नहीं। तो मैं फिर आपको स्थान कहां पे दूं? मेरे तन मन जीवन सर्वत्र में प्रभु श्री राम ही राम बसे हैं। आपको कदाचित ज्ञान नहीं है कि मेरे प्रकोप से मनुष्य तो क्या देव और दैत्य भी नहीं बच सके हैं। 7.5 के 2.5 वर्ष मैं जीव के पैरों में रहकर उसे भटकाता हूं। 2.5 वर्ष उसकी सिर में स्थित रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता हूं और 2.5 वर्ष उसके मुख में प्रवेश करके उसकी सुख शांति धन संपत्ति सबका हरण करके उसे पूरा दरिद्र बनाकर छोड़ देता हूं। महाराज, मैं तो केवल उसी ज्ञान को अपने पास रखता हूं जिससे मैं अपने प्रभु के प्रेम रस में सदा लीन रह सकूं। शेष सारे ज्ञान को मैं अपने किसी काम का नहीं समझता। ऐसा है
तो मेरी साढ़े साथी का थोड़ा और ज्ञान ले लीजिए। अवश्य शनि देव, कृपा कीजिए। जब मेरी साढ़े साथी चलती है तो प्राणी दुख, कष्ट और असुरक्षा से बुरी तरह से घिर जाता है। रोग और व्याधि उसे जकड़ लेते हैं। कभी सर पर छत गिर पड़ती है तो कभी उसके घर में आग लग जाती है। कलह का वातावरण हो जाता है। सब ओर असफलता और पराजय ही मुख फाड़ कर खड़ी हो जाती है। कलंक और आरोप लगने लगते हैं। प्राणी अपनी सोच और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रख पाता। मेरे अधीन होकर वो क्रोध और आवेश में आकर अपनी ही हानि कर बैठता है। मन व्यथित रहता है, वाणी कठोर बोलता है, सुख नष्ट हो जाता है, संपत्ति का नाश हो जाता है, दुख, ग्लानि और शोक, इसके अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहता। सावधान हनुमान, आपकी साढ़े साथी इसी क्षण प्रारंभ हो गई। यदि आप अपना निर्णय नहीं बदल रहे और आपने श्री राम के तुच्छ भक्त से ठान ही ली है तो आपका स्वागत है शनीश्वर। आपका जो नियम है आप उसका पालन कीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। आपको पीड़ा देने में मुझे कोई रुचि नहीं है हनुमान, किंतु काल के विधान में मुझे यही कार्य मिला है और मेरे कार्य में कोई बाधा डाल सके ऐसा किसी के लिए संभव नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्या कर रहे हैं पवन पुत्र? सिर में खुजली हो रही है महाराज। खुजली हो रही है तो तेल इत्यादि जैसा कोई उचित उपाय करो। नहीं नहीं महाराज, मेरे स्वभाव को यही उपचार भाता है। जय श्री राम। हे मारुति नंदन, इन चट्टानों के भूत से मैं मरा जा रहा हूं, कृपया इन्हें हटाएं। क्षमा करें शनीश्वर महाराज, जैसे आप काल के विधान से विवश हैं वैसे ही मैं अपने स्वभाव से विवश हूं। जय श्री राम। मुझ पर मेरे प्राण निकले जा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं महाराज? आपको तो मेरे शरीर में 7.5 वर्षों तक रहना है, अभी तो 7.5 क्षण भी नहीं हुए। अपने प्राण बचा के रखिए। नहीं नहीं महाबली, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम भक्त हनुमान, मैं आपके भीतर नहीं रह सकता। नहीं रह सकते तो निकल जाइए। मैं यदि स्वयं निकल सकता तो इसी पल आपको छोड़ देता, किंतु मैं यहाँ फंस गया हूँ। पूरा जगत मुझसे याचना करता है, मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूंगा। मुझे ही नहीं शनिदेव, आप चाहकर भी कभी भी किसी राम भक्त को पीड़ित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिसके हृदय में राम का प्रभाव हो जाता है उसके ऊपर काल का प्रभाव काम नहीं करता। मैं सदा आपकी बात का स्मरण रखूंगा। हे राम दूत, कृपया आप मुझे जाने दे। जय श्री राम। हे राम भक्त हनुमान, क्या आपसे मुझे थोड़ा तिल तेल मिल सकेगा? मुझसे तो नहीं मिल सकेगा हे सूर्य पुत्र, पर आज के बाद आपके दुष्ट प्रभावों से बचने के लिए भक्तगण आपको तेल चढ़ाकर ही प्रसन्न करेंगे। वो तो शनि देव ने शीघ्र ही उनसे संधि कर ली, अन्यथा बजरंग बली पूरे का पूरा पर्वत अपने शीश पर रख लेते। श्री भगवान के भक्तों पर काल का प्रभाव नहीं होता। कहते हैं कि प्रभु का नाम एक बार लेने से ही करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। भगवान शंकर के अंश हनुमान तो निरंतर ही प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते रहते हैं। शनिदेव उनका क्या बिगाड़ सकते थे? हृदयनाथ, क्या वास्तव में भगवान भोलेनाथ के अंश से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था? निसंदेह। राम भक्त हनुमान भोलेनाथ का अंश है। मेरे प्रति ये उनका अगाध प्रेम ही है जिसके कारण उन्होंने मेरे सेवक का चोला पहन लिया, अन्यथा कालेश्वर भगवान शंकर सबके स्वामी है। मेरे परम आराध्य हैं और मैं उन्हीं को बचता हूं। किंतु कमल नहीं, भगवान भोलेनाथ की उस अंश को धारण कौन करेगा? यही प्रश्न जगत जननी पार्वती जी ने भगवान महादेव से किया था। आप ही बताइए, भोलेनाथ ने क्या उत्तर दिया था? स्वर्गलोक की एक अप्सरा है जिसका नाम है कुंजिक स्थला। स्वर्गलोक की अप्सरा? अप्सरा ने वानर को जन्म दिया, किंतु यह कैसे हुआ स्वामी? मेरी इच्छा होने पर महामाया सब कुछ संभव कर देती है।
अति सुंदर, अति सुंदर। देवी पुंजिक स्थला, नृत्य कला में आप मेनका और उर्वशी से कहीं भी कम नहीं। यहां बैठे सभी देवता नृत्य के पारखी हैं, किंतु कोई भी आपके नृत्य में दोष निकालने समर्थ नहीं। तब आपका अभिनंदन करते हैं। उसके नृत्य के समान ही पुंजिक स्थला का चरित्र भी निर्दोष था। देवराज इंद्र का स्वर्ग भोग विलास की सीमा है, किंतु वहां रहते हुए भी वो अप्सरा भगवान शंकर की नित्य उपासक थी। वानर का शिशु है।